हेलो एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये अपने साथी से भाग चुकी थी और इस बात से भी खबर लोम की मम अपने गेस्ट का वेलकम करने में लगी थी। जेमन के पास जाती है और उनसे कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है और फिर वह उनके कानों में बताती है कि दुल्हन यहाँ से भाग चुकी है। तो लोम की मम जोर से कहती है क्या दुल्हन यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वह कोई भूत थोड़ी ना है, क्या तुमने सभी जगह देखा। जेम कहती है मैम प्लीज़ आप काम डाउन हो जाइए, हम ड्रेसिंग रूम में जाकर बात करते हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ रिया की मॉम को भी इस बारे में पता चल चुका था तो वह ऐसे कहती है नहीं ये सच नहीं हो सकता, नोंगवा कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कहता है मैंने उसे सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें वो कहीं पर भी नहीं मिली, मैंने रिसेप्शनिस्ट से भी पूछा, सारा होटल छान मारा लेकिन या हमें कहीं नहीं मिली। तो यह की मॉम कहती है जाओ और जाकर उसे ढूंढ कर लाओ, शादी स्टार्ट होने ही वाली है। और तभी वहाँ पर लोम की मॉम आ जाती है और वह ऐसे कहती है यह कहाँ पर है। लोम कहता है हमें नहीं पता मैम, हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। तभी जेम लोम की मॉम से कहती है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए लेकिन दुल्हन शायद यहाँ से भाग चुकी है और अभी के सिचुएशन को देखते हुए प्लीज़ आप लोग जल्दी फैसला लीजिए क्योंकि शादी का वक्त निकला जा रहा है। तभी लोम की मॉम कहती है मैं शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर वह या की मॉम से कहती है जाओ और जाकर अभी अपनी बेटी को ढूंढ कर लाओ। या की मॉम कहती है मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ। लोम की मॉम कहती है मुझे नहीं पता, जाओ और उसे अभी ढूंढ कर लेकर आओ। और वह दोनों झगड़ा करने लग जाती है। तभी वहाँ पर नुआ के साथ लोम भी आ जाता है और वह कहता है मेरी दुल्हन भाग चुकी है। तभी या की मॉम कहती है लोम जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद उसे कुछ हो गया होगा। तभी वहाँ पर ए या का लेटर लेकर आ जाता है और जब लोम उस लेटर को रीड करता है तो या ने लिखा था मोम ऐसा करने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके शादी की मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकी लेकिन मैं मरीन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और लोम तुम भी मुझे माफ़ कर देना, मैं हमारी शादी के दिन इस तरीके से तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और एक ना एक दिन तुम्हें भी तुम्हारी खुशी मिल जाएगी। यह रीड करने के बाद लोम उदास हो जाता है। लोम की मॉम उसके पास आकर कहती है लोम क्या तुम ठीक हो। लोम कहता है प्लीज़ सभी लोग यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। और यह कहकर लोम नुआ की तरफ देखता है तो नुआ सभी को बाहर लेकर चला जाता है और लोम उदास बैठ जाता है। दूसरी तरफ सभी गेस्ट परेशान थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, शादी का वक्त हो चुका था लेकिन अभी तक दूल्हा दुल्हन नहीं आए थे। और तभी वहाँ पर या की मॉम और लोम की मॉम झगड़ा करते हुए आते हैं। लोम की मॉम या की मॉम से कहती है ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से ही हुआ है, वह उस मरीन से प्यार करती है ना, और तुम्हारी बेटी मुझे और मेरे लोम को इतने वक्त तक धोखा ही दे रही थी। या की मॉम कहती है मेरी बेटी को दोष मत दो, तुम्हारा बेटा एक मैन है लेकिन फिर भी मेरी बेटी को एक औरत चुरा कर ले गई। लोम की मॉम कहती है चुप रहो, मेरे बेटे को दोष मत दो, और मेरा बेटा तुम्हारी जैसी बेटी से प्यार ही क्यों करने लगा, इस दुनिया में तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम्हारी बेटी से भी ज़्यादा अच्छी है, तो मेरे बेटे को तो आसानी से कोई भी मिल जाएगी और आज ये शादी नहीं होगी। और यह कहकर वो दोनों झगड़ा करने लग जाती है। ए उनको छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उनसे मार ही खा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जेमो और नुआ सभी गेस्ट को वापस भेज रहे थे। एक गेस्ट उनसे कहता है कि आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। नुआ कहता है इस सिचुएशन के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, होस्ट जल्दी आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन जो भी कुछ हुआ हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। उस गेस्ट के जाने के बाद जेम नुआ से पूछती है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। नुआ कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा लगना चाहिए। जेम नुआ से कहती है शादी अचानक से रुक गई तो तुम्हें क्या लगता है, लोगों को पहले से या के बारे में पता होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा शोक में लग रहा था और जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट किए ऐसा पहली बार हुआ है कोई दुल्हन अपने साथी से भागी है। नाइट में जब नुआ लोम के पास जाता है तो लोम कहता है सभी लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा क्योंकि मैंने एक्टिंग ही कुछ ऐसी ही की थी। नुआ कहता है हाँ क्योंकि तुम इतनी सीरियस हो इसमें जो कह रहे थे, सभी लोग यहाँ से चले जाइए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और तुमने या के लेटर को भी तो बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ रखा था। लोम कहता है अगर मैं उसे नहीं पकड़ता तो मैं बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता, और देखो यह ने भी तो लिखा था कि मैं शादी के दिन नहीं भागना चाहती थी, इसका मतलब वह पहले से ही इस बारे में प्लान कर चुकी थी और तो मुझे तो फिर अपना रोल अच्छे से निभाना ही था। नुआ कहता है
क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे? लॉन्ग कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी उसी वक्त पता चला था, और उस चिक्की लड़की को लगा कि अगर वह मुझे बता देती तो मैं उसे जाने नहीं देता। तभी या और मरीन उन दोनों के पास कॉल कर देती। लोमिया से पूछता है, तुम लोग इस वक्त हो कहाँ पर? या बताती है, हम लोग सिंगापुर हैं और कल हम लोग इंग्लैंड चले जाएंगे। लोम कहता है, तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या कहती है, क्योंकि तुम बहुत बुरे एक्टर हो, और अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देती तो तुम सब कुछ गड़बड़ कर देती, और अब इस सिचुएशन को एक एडवांटेज की तरह लेना, चाहे मैं सभी लोगों की नज़र में बुरी बन जाऊंगी। लोम कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? या कहती है, हाँ, अगर मैं वक्त में पीछे भी जाती तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करती। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। लोम कहता है, जो भी तुमने किया है उससे तो मैं लगभग सिचुएशन से बाहर निकल ही चुका हूँ। नुआ मरीन से कहता है, मुझे तुम्हारी वेडिंग इनविटेशन का इंतजार रहेगा। मरीन कहती है, तो क्या तुम हमारी शादी ऑर्गेनाइज करोगे? नुआ कहता है, तुम लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मैं तुम्हारी सर्विस के लिए हाजिर हूँ। या कहती है, तुमने प्रोमिस किया है? नुआ कहता है, हाँ, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहो। लोम कॉल कट होने के बाद नुआ से कहता है, क्या मुझे जेल में सोना चाहिए? नुआ कहता है, हाँ, चाहो तो तुम हो सकते हो। और फिर लोम मुस्कुरा कर उठता है और नुआ को अपना हाथ देता है। तो नुआ कहता है, एक तुला जिसकी अभी अभी शादी टूटी है उसे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होना चाहिए ना? लोम कहता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी हंसी तो रुक ही नहीं रही है। नुआ कहता है, और मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो पहले से ही तुमसे प्यार जो करने लगा हूँ। और यह कहकर नुआ भी लोम को अपना हाथ दे देता है, और फिर वो दोनों वहाँ से हंसते मुस्कुराते डिनर के लिए चले जाते हैं। अगले दिन लोम के ऑफिस में भी बात फैल चुकी थी, सभी लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। लोम की दुल्हन ने उसे छोड़ दिया है और वह शादी के दिन ही भाग गई, और तो और उसके पेट में एक बच्चा भी था। एक कॉलेज लोम के ऑफिस में कॉफ़ी लेकर आती है, और लोम बहुत ज़्यादा रो रहा था। वह इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि वह कोलिक लोम को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और एक दूसरी कोलिक को आकर बताती है वह बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वह पूरे रास्ते रोते हुए ही आए। तो वह दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही, पता नहीं वह अपने आप को कैसे संभालेंगे। तभी लोम बाहर आ जाता है और उस कोलिक से कहता है, मैं आज की छुट्टी ले रहा हूँ, तो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और जब लोम बाहर आता है तो वॉचमैन भी लोम से कहता है, हम लोग सभी आपके साथ हैं, तो प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा। लेकिन लोम नाटक करते हुए कहता है, लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा, वह तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। लोम जब घर आता है तो मॉम लोम से पूछती है, क्या तुमने खाना खाया? लोम कहता है, मुझे भूख नहीं है। मॉम कहती है, ऐसा मत बनो, तुम्हें कुछ तो खाना होगा। लोम कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। लोम की मॉम लोम को रोकने की कोशिश करती है। लोम अपनी मॉम से कहता है, आपको मुझे कंफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम कहती है, तुम यहाँ से 10 सालों से प्यार करते आए हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन भूलो मत, सिर्फ वही तुम्हारे लिए एक चॉइस नहीं थी, दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उससे बेटर तो तुम्हें कोई भी मिल सकती है। लोम कहता है, लेकिन सिर्फ मैं उसी से प्यार करता था, और मैंने आपसे कहा था ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूँगा, वही मेरा पहला और आखिरी प्यार था, और आपने भी तो कहा था प्यार सिर्फ एक बार होता है, तो मैं किसी और औरत से शादी नहीं कर सकता। और यह कहकर लोम जाने लगता है। मॉम कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? लोम कहता है, मैं शराब पीने जा रहा हूँ, जैसा कि हर आदमी करता है। लोम के जाने के बाद मॉम को भी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और वह कहती है, कोई तो मेरे बेटे की ज़िंदगी में आए जो उसके घाव को भर सके, कोई भी हो मुझे चलेगा, मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगी। लोम नुआ के पास ड्रिंक करने आ जाता है। नुआ लोम से कहता है, तुमने अपने धोखे की वजह से ये कह दिया कि तुम किसी और औरत से शादी नहीं कर सकते, और यहाँ देखो तुम बिल्कुल एक डम पर्सन की तरह ड्रिंक पे कर रहे हो। मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ, क्या किसी और को इस बारे में पता है कि जिस लोम के बारे में रूमर्स फैल रही है और जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्या वही पर्सन है? और तो और तुम ऑफिस जाते वक्त भी बॉडी स्प्रे की जगह शराब छिड़क कर गए थे। लोम कहता है, और मैंने आर्टिफिशियल टीयर्स का भी यूज किया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं लोम ने ऑफिस जाने से पहले अपने परफ्यूम में एल्कोहल डालकर उसे अपनी बॉडी पर छिड़क लिया था, और जब वह कोलिक ऑफिस में अंदर आने वाली थी तब लोम ने अपनी आंखों में ग्लिसरीन डाल लिया था। और जब वह अंदर आती है तो लोम रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगता है। तो इस पर नुआ कहता है, वाओ, तुम तो एक्टिंग करने में काफ़ी अच्छे हो गए हो,
लोग कहते हैं तुम काफ़ी पतले हो चुके हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम बहुत अच्छे से खा पी रहे हो, और यहाँ तक कि तुम वीकेंड्स में वेक बोर्डिंग के लिए भी जाते हो। और फिर नुआ नुम की मसल्स देखने लगता है और कहता है तुम बस थोड़े से पतले लग रहे हो। लोम कहता है हाँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुमने ही मुझे नेकेड देखा है। नुआ कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने तो मुझे नेकेड देखा ही नहीं है। और यह कहकर नुआ लोम को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वह उसे किस नहीं कहता। लोम कहता है तो बताओ तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी। नुआ कहता है तुम्हारी एक्टिंग ठीक ठाक थी। लोम कहता है अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल अभी भी दुख रहा है तो प्लीज़ क्या तुम मुझे अपने घर पर रहने दोगे। नुआ कहता है ओह तुम्हारा दिल दुख रहा है। लोम कहता है हाँ, तुम्हें मेरा चेहरा देखकर लगता नहीं है। नुआ कहता है तुम्हारा चेहरा देखकर तो ये लगता है कि तुम एक बुलशिट हो। लोम नुआ से कहता है नहीं, सच में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाता तो मुझे भूख नहीं लगती, और अगर मैं तुम्हें सोते वक्त हग नहीं करूँगा तो मुझे इंसोमिया हो जाएगा। नुआ कहता है क्या तुम्हें पता है तुम दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा चालाक होते जा रहे हो। लोम कहता है क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है। नुआ कहता है हाँ पसंद है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, लेकिन मैं ड्राइव करूँगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। तो लोम हूँ कह देता है। फिर वो लोग अपने रूम आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नुआ लोम से कहता है सभी लोगों को लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो। लोम कहता है तुम हर वक्त मुझसे यही पूछते रहते हो नुआ। नुआ कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन लोम उसका कोई जवाब नहीं देता और नुआ को किस करने लगता है। नुआ बड़े प्यार से कहते हैं पिलुम प्लीज़ मुझे इसका जवाब दे दो। लोम कहता है तुम जानते हो इस नाम से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाता हूँ और तुम इसी को यूज कर रहे हो। नुआ कहता है तो तुम एडमिट कर ही लो, तुम्हें ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है पिलुम। लोम कहता है ओके ओके फाइन। अब सभी लोगों को विश्वास हो चुका है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मैं डम हो चुका हूँ, और तुम मेरे फ्रेंड हो जो मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और फिर से मुझे रिकवर करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, तो ये प्लॉट मुझे लगता है हम दोनों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नुआ कहता है वाओ क्या कहानी रची है, तुम जानते हो जेम तुम्हें क्या कहकर बुलाती है। वह कहती है तुम एक पुल सीटर हो, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो ऑलरेडी तुमसे प्यार जो करने लगा हूँ, तो मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। और ये कहकर नुआ लोम के चिक्स पर किस करते हैं। लोम नुआ के बालों में हाथ डालते हुए कहता है तो क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नुआ कहते हैं क्या मैंने कभी भी मना किया है पीलोम। और फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लोम और नुआ एक साथ रहने लगे थे। लोम बड़े ही आराम से सो रहा था। नुआ लोम के पास आता है और उसे जगाने लगता है, लेकिन लोम तो नुआ को खींचकर उसे किस करने लग जाता है। नुआ कहता है तो इसका मतलब बस तुम सोने का प्रिटेंड कर रहे थे। लोम कहता है नहीं मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था। नुआ कहता है तो इसका मतलब तुम सोते हुए बातें कर रहे थे, उठो और जाकर प्रेस कर लो। लोम नहीं उठता तो नुआ लोम का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगता है। लोम कहता है क्या तुम सच में मुझे किस नहीं करने वाले। तो नुआ लोम के नज़दीक आता है, लेकिन फिर वह उसे किस नहीं करता और उठकर चला जाता है और जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। देर बाद में लोम भी नुआ के पास आ जाता है और उसे बैग हग करके कहता है मैंने प्रेस कर लिया है। नुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, तभी लोम को एक एनवलप दिखाई देता है। लोम कहता है ये क्या है। नुआ कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें उठा रहा था। लोम जब उस एनवलप को खोल कर देखता है तो उसमें या और मरिन की शादी की फोटोज थी। उन्हें देख कर लोम कहता है मुझे लगता है अब तो मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। नुआ लोम को टीच करते हुए कहता है तुम किससे शादी करने वाले हो, क्योंकि प्रपोज तो मैं तुम्हें करने वाला हूँ। लोम कहता है सोचना भी मत, क्योंकि ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया है। नुआ कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम लोग सच में शादी करने वाले हैं। लोम कहता है वो दिन भी जरूर आएगा। नुआ कहता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अगले दिन लोम फिर से तैयार होकर नुआ से मिलने के लिए जाने लगता है, तभी मॉम लोम को रोक लेती है और कहती है आज तो वीकेंड है तो तुम कहाँ जा रहे हो। लोम कहता है मैं नुआ से मिलने जा रहा हूँ। मॉम कहती है फिर से तुम आजकल उससे कुछ ज़्यादा ही नहीं मिलने लगे। लोम कहता है मैं जब भी उसके साथ होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ।
तो अगर मैं उसके साथ जाऊँ तो क्या आप मुझे रोकेंगी? मॉम कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तो तुम्हें खुश देख कर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए या की तरह छोड़कर मत चले जाना। टॉम कहता है, मॉम मैं कहीं नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ नोआ को दिखाया जाता है जो वेडिंग प्रिपरेशन कर रहा था और वह जेम्स से आधे दिन की छुट्टी लेकर जाने लगता है। तो प्राइस कहता है, क्या तुम अपने फ्रेंड को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? नोआ कहता है, ये मेरा काम नहीं है और तुमने भी तो कल मेरी मदद नहीं की थी। प्राइस कहता है, हाँ अब तो तुम्हें फ्रेंड्स की ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो। जेम नोआ से कहती है, तुम जाओ, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। नोआ के जाने के बाद जेम प्राइस से कहती है, आज नोआ का मूड थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। प्राइस कहते हैं, हाँ शायद खुल्लोम उसे कोई और सरप्राइज देना चाहते हो। जेम कहती, क्या सरप्राइज? प्राइस कहते हैं, हाँ तुम्हें नहीं पता, एक बार लोम ने उसे सरप्राइज दिया था, एक फ्लावर बुके नोआ के लिए आया था। हमें लगा कि वो क्लाइंट ने भेजा है चेक करने के लिए, लेकिन जब हमें पता चला कि ये नोआ के लिए आया है तो हमने उसे लौटा दिया। जेम कहती, और तुम्हें क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ। और फिर प्राइस और जेम इस बारे में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। लोम दूसरी तरफ नोआ का इंतजार कर रहा था। नोआ लोम के पास आता है और उसे पीछे से हक करता है, लेकिन लोम का ध्यान तो कहीं और था। तो नोआ कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? लोम कहता है, मैं तो बस पिछले साल की शादी के बारे में सोच रहा था। नोआ कहता है, हाँ उस बात को एक साल हो चुका है। लोम कहता है, नहीं जो भी कुछ हुआ मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जब हम लोग शादी करेंगे तो हमारी शादी कैसे होने वाली है। नोआ कहता है, उसके लिए पहले हमें तुम्हारी मॉम से परमिशन लेनी होगी। लोम कहता है, और अगर वो हाँ कर दे तो? नोआ कहता है, पीलू क्या तुम मजाक कर रहे हो? लोम कहता है, नहीं कुछ भी हो सकता है नोआ। और यह कहकर लोम नोआ के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है। नोआ भी लोम को अपना हाथ दे देता है। लोम कहता है, मैं उस पल के बारे में सोच रहा था जब मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा तो मुझे क्या कहना चाहिए, चलो शादी करते हैं, या फिर ये कहना चाहिए क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नोआ कहता है, ओ तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? लोम कहता है, नहीं मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। नोआ कहता है, तो फिर मुझे तुम्हें हाँ कहना चाहिए या कहना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोम कहता है, जो तुम चाहे वो तुम कह सकते हो, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। और यह कहकर लोम नोआ के हाथों पे किस कर लेता है। और यहीं पर ये ब्यूटीफुल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। इस सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड भी आने वाला है जो 16 सितंबर को रिलीज होगा। इस एपिसोड में हमें लोम और नोआ के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट देखने को मिलेंगे और शायद हमें इन दोनों की शादी भी देखने को मिलेगी, ये तो हमें उस एपिसोड में ही पता चलेगा। और गाइस क्या आपको आजकल मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रही, क्योंकि व्यूज भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और वॉच टाइम भी बहुत ही कम आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लग रही? प्लीज़ इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन में इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।